हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में भविष्य करने वाले भातु ने देखा परमेश्वर पापियों को बचाने को और खुद के भेड़े मेल मिलाप करने के लिए मसीहा को भेजे। ईश्वर का जीवन यूं बताता है कि वो ही बचाव वाला है वह जिसको भेजने को परमेश्वर ने वादा किया। भविष्यवक्ता यशायाह ने बोला कि कुंवारी छोरी पेटा से होंगी, एक छोरा पैदा करूंगी और इधाई होया। परमेश्वर की सामर्थ्य से मरियम कुंवारी थी, पेटा से हुई, ईश्वर को जन्म दिया। जिदा शास्त्र वचना में लिखोड़ा है कि उसका जन्म अद्भुत रीतिया से परमेश्वर की ओर से यो निशान है, वो छोरा जो पैदा होया वो मसीह है वह जिसको परमेश्वर अपना छोरा बोलता। पर भातुआ ने ईश्वर को देखा तो उसके मई परमेश्वर की ताकत और गुणे को देखा और इन्हें भातुए की बीमारियों को सही करा और उनके पापों को माफ करा। इन्हें भातुए से वादा करा थिया और थार को स्वर्ग में जगह मिलूंगी। ईश्वर ने खुद का जीवन बलिदान कर दिया, सब भातुए की सजा खुदी पर सही। इन्हें मरोड़े में से जिंदा होकर यूं प्रकट करा कि इसकी ताकत मृत्यु से भी कहीं ज्यादा है। वह यीशु जो मसीह है वह इन्हें बोला कि मेरे कन्ने मरने के लिए और जीने के लिए शक्ति है। वह इसका जीवन बिल्कुल हिदायत थिया जिदा भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के बारे में लिखोड़ा थिया। इस बात का पक्का प्रमाण थिया कि परमेश्वर का वचन पवित्र और सच्चा और हमेशा रेबाड़ा है। वह यीशु ही परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर ईश्वर के द्वारा और अपने आपा को भातुए पर प्रकट करता। यीशु हमको भरपूर जीवन देना आया थिया जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया थिया, लेकिन इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करा और इसकी आज्ञा को नहीं माना। उस शर्माले कामा ने इनको ईश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखोड़ा है कि सभी भातुओं ने पाप करा और पापा का नतीजा मौत है। वह और जो भातु पाप करते हैं वह और वो परमेश्वर के भेड़े संगति नहीं करी सीख। इधर परमेश्वर ने एक भेड़ा को अब्रामा के छोरे के जगह पर मरने के लिए इंतजाम करा दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने ईश्वर को आदमा के वंशा के जगह मरने के लिए भेजा। इन्होंने इसलिए ये करा कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर की संगतियां में आई सीखते हैं वह। इसलिए जो ईश्वर के लारे चालते हैं वो पापा की सजा से छुटकारा पाईकन हमेशा परमेश्वर के भेड़े रहेंगे। जब यीशु मुर्दे में से जी उठा खुद के चेले को बोला हर राष्ट्र में मेरे नाम से प्रचार किया जाऊंगा कि परमेश्वर उनकी गलतियों को माफ करूंगा जो खुद के पापों को छोड़ी कर इसके ला रहा होंगे। ईश्वर ने यह भी बोला कि उनके चेले को भेड़े रहने के लिए उनको सही बात बताने के लिए परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। एक पापी भतानिया ने पापा से मन मोड़ा और ईश्वर के लारे चलना शुरू करा। तब ईश्वर ने उसको बोला तेरे पाप माफ करे, तेरे विश्वास के कारण से तू बचेगी। ईश्वर ने बोला जब हाथ सच्चे मन से परमेश्वर से प्यार करते हैं वह तो इसका नतीजा कि परमेश्वर उनकी गलतियों को माफ करा। जो ईश्वर के चेले बनने के लिए निर्णय लेते हैं वह और वो ईश्वर के भेड़े खुद के संबंध की शुरुआत इन शब्द से शुरू कर ही सीखते हैं वह। हे परमेश्वर तू धर्मी है वह, हूँ धन्यवाद करी रहा तू मेरे से प्यार करता है वह, हूँ इस बात से पछताएरा कि मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना और तेरे विरुद्ध पाप करा। हूँ धन्यवाद करी रहा कि ईश्वर को मेरी जगह क्रूसा पर मारने के लिए भेजा, वो तीसरे दिन जी उठेगा। हूँ धन्यवाद दीरा कि उसने मेरे पापों की सजा सही। हूँ ईश्वर को मेरा बचा बड़ा प्रभुआ के रूपा में स्वीकार करीना तेरे रास्ते पर चलना चाहूंगा। धन्यवाद करीरा कि तेने मेरे पापों को माफ करा और हमेशा के लिए खुद के भेड़े खुद के राज्य में रहने को रास्ते खोली दिए। हूँ विनती करीरा कि खुद की पवित्र आत्मा मेरे को दे ताकि वो मेरे भेड़े रहे और मेरे को तेरा रास्ता दिखा, वो मेरे को ताकत दे ताकि हूँ पूरे मना से तेरे से प्यार कर सके, ताकि हूँ ऐसा जीवन जीवे जो थार को पसंद हो और इस संसार में हर जगह पर भातु तेरी बड़ाई करे। आमीन। ईश्वर ने अपने चेले के बारे में किया मेरी भेड़े मेरी आवाज़ सुनती है वह और उनको जानता है और वो मेरे लारा आते हैं और ईश्वर के चेले आपस में मिले रहे, रोज इससे बातें करते और इसका वचन पढ़ते हैं वह और वो हमेशा उसके वचनों को मानते हैं
और उसके लारे चालते। वो ईश्वर के बारे में दूसरे को बताते हुए और परमेश्वरा की आत्मा और जो उसके दिला में रहता है उनको ताका देता है। ईश्वर ने स्वर्गाम में जाने से पहले उनके चेले को जो बताया था वो उसके चेले याद रखूंगे। उनने बताया कि ईश्वरा ने मेरे को स्वर्गा पर और धरतिया पर पूरा अधिकार देवड़ा है। वह पक्का भरोसा करोड़ा कि हूँ दुनिया के अंत तक थारे साथ रहूंगा।